नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के सुगड़ी क्षेत्र के देवारा इलाके में सरयू नदी के बढ़ाव का क्रम शनिवार को कुछ थमा। हालांकि अभी सरयू नदी खतरा बिंदु से 182 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं दाम महुला के पास रिंग बांध कटने के बाद सैकड़ों परिवारों का पलायन हो चुका है। दो गांव फिलहाल जलमग्न हैं। ग्रामीण परेशान होकर महुला गढ़वल बांध और राहत शिविरों में पशुओं के साथ डेरा डाल रखे हैं। शुक्रवार की रात को आजमगढ़ के डीएम विशाल भारद्वाज भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने दावा किया था कि बांधों में जो रिसा हुआ था उसको बंद किया गया है। 1500 लोग राहत शिविर में हैं, सबके भोजन का उचित प्रबंध किया गया है। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। बांध के रिसाव के विषय पर सिंचाई विभाग की लापरवाही की जाँच की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को दिन में आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर मनीष चौहान व डीआईजी अखिलेश कुमार भी देवारा इलाकों में पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान राहत शिविरों व बाढ़ चौकियों पर की गई व्यवस्था का भी उन्होंने जायजा लिया और दिशा निर्देश दिया। बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उसके समाधान पर चर्चा की। कमिश्नर ने कहा कि लगभग 67 गांव प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में नाव लगाई गई है, बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी लगातार यहाँ पर व्यवस्थाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। डीआईजी ने कहा कि जहां जहां विस्थापन केंद्र स्थापित किए गए हैं वहां पर पुलिस की पिकेट लगाई गई है। इसके अलावा एनडीआरएफ और पुलिस बीएसी के जवान प्रभावित लोगों की मदद के लिए लगे हुए हैं। मीडिया से हुई बातचीत में कमिश्नर और डीआईजी और जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, यहाँ पर जो बाढ़ है लगभग अभी जो सरयू है खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर है और लगभग 67 गांव प्रभावित है और कुछ गांव ऐसे हैं जो कि जिनमें आबादी है और कुछ तरह से गिर गए हैं। प्रशासन ने नावें लगा रखी है, जो राहत चौकी है वो सक्रिय है, सभी विभाग है वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो चिकित्सा विभाग है, पशुपालन विभाग है, उन्होंने अपने चारे की और पशुओं के टीके की व्यवस्था की है और सभी अधिकारी फील्ड में हैं और ये देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो। पर्याप्त संख्या में नावें लगाई गई है और जो आपदा राहत की टीम है वो भी आ गई है, तो वो भी लोगों को बचाने में और लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने में लगी हुई है। हम लोग लगातार उस पर नज़र लगाए हुए हैं और हमारा प्रयास है कि लोगों की जो समस्या है उनको कम से कम समस्या हो, उनको राहत सामग्री मिले, उनको खाना मिले और किसी भी प्रकार से कोई जनहानि सुरक्षा को लेकर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जहाँ जहाँ इनके रहने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है वहाँ हमने पुलिस पिकेट लगाए हैं। जहाँ महिला संख्या ज़्यादा है वहाँ महिला पुलिस कर्मचारी उनको भी नियुक्त किया गया है और जो हमारे जवान गाँवों में और गाँव में भी जो के लोग आ रहे हैं और रात सर एनडीआरएफ भी लगाई गई है। एनडीआरएफ के अलावा भी हमारे जो जवान हैं वो भी गांव में चौकी कर रहे हैं और रात में। अब जो यहां का जलस्तर है वो घटना शुरू हो गया है और जितने भी जगहों पर प्रातः काल से लेकर बांध में कुछ समस्या आ रही थी वो दिन भर के प्रयास के बाद उनको बंद कर दिया गया है और लगभग 1500 व्यक्ति अपने घरों से बाहर हैं और उनको जो हमारे राहत शिविर हैं उन पर उनको रखा गया है, उनके भोजन इत्यादि की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। अच्छा सर, ये जो बंधों पे रिसाव हो रहा है और ये एक हफ्ते से लगातार ये महसूस होता है कि रिसाव होगा, हर साल ऐसा होता है, लेकिन सिंचाई विभाग की कहीं ना कहीं बाढ़ खंड के लोगों की लापरवाही से दिखाई दे रही है, इसकी अलग से इसमें जांच कर ली जाएगी। पर इस बार जो हमारा जलस्तर है वो हाई फ्लड लेवल से भी काफ़ी ऊपर है, ये अब तक के इतिहास की सबसे ज़्यादा इस वक्त ऊँची हमारा जलस्तर है और बाढ़ भी है। तो उसके दृष्टिगत हम लोग की जो व्यवस्थाएँ हैं वह संतोषजनक है और अभी हम लोगों ने एनडीआरएफ का भी अनुरोध किया है, अगले 2-3 घंटे में एनडीआरएफ की भी टीम आ जाएगी, उनके भी सहयोग से जहां भी अन्य और आवश्यकताएं हैं उनको भी हम लोग पूरी करेंगे। आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी क्षेत्र का देवरांचल प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ कभी कभी शासन प्रशासन की उपेक्षाओं का भी शिकार होता है, जिसके कारण आला अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए देवारा वासियों को बार बार संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा ही मंजर इस वर्ष भी देखने को मिला, जहां विगत कई दिनों से घाघरा नदी अपने उफान पर है, जिसने लगभग 132 गांव को अपनी चपेट में ले रखा है।
तो वहीं लगभग 90% घरों में पानी ने अपना आशियाना बना रखा है। बाढ़ के पानी ने किसानों की खड़ी फसल को तो नष्ट किया ही, साथ में घरों में रखे खाने पीने के सामान को भी अपने कब्जे में ले लिया। ऐसे में जिलाधिकारी आजमगढ़ के ट्वीट से दीवारावासियों का सब्र टूट गया और वे सो रहे थे। आजमगढ़ के जिम्मेदार आला अधिकारियों को नींद जगाने के लिए और उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए दीवारा के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही सामाजिक संगठन दीवारा विकास और सेवा समिति की अगुवाई में चिकनावा ढाला से कूड़ाही ढाला तक लगभग 7 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। इस पैदल मार्च को प्रयास सामाजिक संगठन व बाढ़ पीड़ित संगठन का भी समर्थन मिला। देवारावासियों ने आजमगढ़ प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि इस विकट परिस्थिति में भी यदि आजमगढ़ प्रशासन सोया रहेगा तो देवारावासी एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पानी घुसा हुआ है पूरे देवारा में, 35 ग्राम पंचायतें हैं, हर घर में पानी घुसा हुआ है। लेकिन डीएम साहब आज तक गोपालपुर विधानसभा में, मैं जानता हूँ, यहाँ की जनता बताती है, डीएम साहब एसडीएम साहब आज तक बंधे पर खोज खबर लेने नहीं आए हैं और सरकारी अनुदान सहायता राशि की बात ही छोड़ी। डीएम साहब ने, मैं देखा ट्वीट पे कुछ फोटो डाले थे, सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं उसकी भी फोटो सरकार डाल रही है, इस आपदा को अवसर के रूप में बुला रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आपने इसकी संज्ञान, इसको संज्ञान दिया? सबको संज्ञान में, सबके संज्ञान में, हमारी जनता तड़प रही है, परेशान जनता है। अब वो लोग अपने स्तर से क्या कर रहे हैं वही लोग जाने। विधायक सांसद के पास आप लोगों ने इसका ज्ञापन दिया? विधायक सांसद अभी जनप्रतिनिधि बंधे पर घूम रहे हैं, सब आ रहे हैं, कभी कभार जा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ सांसद जी भी एक बार आए थे, विधायक जी भी एक दो बार तीन बार बराबर फोटो देखता हूँ आते हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी यही है, ब्लॉक प्रमुख जी रात दिन बाढ़ क्षेत्र में घूमते रहते हैं। लेकिन शासन प्रशासन, मैं सरकार का दोष अभी दूंगा, शासन प्रशासन का दोष दूंगा कि शासन प्रशासन जो है बिल्कुल नकारात्मक रवैया। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि सरकार के आदेशों का अवहेलना कर रही है प्रशासन? हम तो आज जब ट्वीट देखे डीएम साहब का, तो हमको साफ लगा कि डीएम साहब सच्चाई नहीं बता रहे हैं, सरकार को सच्चाई पता नहीं चल पा रही है। अगर डीएम साहब लिख के देते हैं कि 12 ग्राम पंचायतें बाढ़ पीड़ित हैं तो बाकी 125 ग्राम पंचायतें कहां जाएंगी? नहीं, 125 गांव मुख्यमंत्री का एकदम सख्त आदेश है कि जहां भी बाढ़ग्रस्त हुआ हो, जहां बाढ़ आई हो, वहां प्रशासन पूरी मुस्तैदी से उसकी सही ढंग से व्याख्या और आख्या दे। व्याख्या अगर सही तरह से देता प्रशासन तो आज हम लोगों को, सामाजिक संगठनों को ये नौबत नहीं आती कि बैनर लेके हम 7 किलोमीटर पैदल मारते। इसके माने आपका सीधे सीधे ये आरोप मैं मान सकता हूँ या लगा रहे हैं आप कि प्रशासन सरकार के मनसा के अनुरूप काम नहीं कर रहा, मनमाने ढंग से काम कर रहा है। मनमाने ढंग से काम कर रहा है सरकार, आज ही प्रशासन आज ही घोषणा कर दे कि दीवारा जो बाढ़ग्रस्त घोषित कर दे दीवारा को, हम लोग अभी अपना पैदल मार्च खत्म कर दे। अतरौलिया थाना क्षेत्र के सिहोरा पोस्ट बेनी गौरा निवासी देवी शरण सिंह ने अतरौलिया थाने में तहरीर देकर अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। देवी शरण सिंह ने बताया कि पत्नी आरती सिंह उम्र 26 वर्ष थी, जो 7 अक्टूबर को रात लगभग 12 बजे घर से बिना बताए जाना कुछ पैसे और गहने लेकर चली गई। बहुत खोजबीन करने पर भी उसका कहीं पता नहीं चला। तत्पश्चात अतरौलिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पीड़ित देवी शरण ने बताया कि मेरी शादी काजीपुर जनपद में 2014 में हुई थी। पत्नी के माता पिता के पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसके कारण वह बचपन से ही अपने ननिहाल काजीपुर जनपद के सिमौर में ही रहती थी और शादी भी वहीं से हुई थी। इस तरह अचानक घर से पत्नी के गायब हो जाने से पीड़ित काफी चिंतित है। इसके पास 2 बच्चे शिवांग 6 वर्ष व आयांश 3 वर्ष भी हैं। इस संदर्भ में देवी शरण ने अतरौलिया थाने में 8 अक्टूबर को गुमशुदगी दर्ज करा दी है। समाचार लिखे जाने तक पीड़ित की पत्नी का कोई पता नहीं चल सका है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित देवी शरण ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम देवी शरण सिंह है, ग्राम सिहोरा पोस्ट बेनी गौरा तहसील बुढ़नपुर जनपद आजमगढ़ का मैं मूल निवासी हूँ। क्या आपकी बीवी कुछ दिनों से लापता है? जी, मेरी बीवी रात को 11 बजे तारीख 7 तारीख को निकल गई रात में, और जो है हम लोग उनको बहुत ढूंढने की कोशिश किए, वो मिली नहीं। 7 अक्टूबर सन 2022 को रात में 11:30 बजे के आसपास वो निकल गई। आपको जानकारी कब हुई? मुझे जानकारी हुई लगभग 12:10-12:20 के बाद मुझे जानकारी हुई। तो मैं जब उठा तो छोटा बच्चा जो रो रहा था, तो इस वजह से मैंने उनकी बहुत खोज पड़ताल की घर में, वो नहीं मिली। और मेरी मोबाइल भी गायब हो गई थी, उसमें का सिम निकल गया था, तो मैंने बाद में दोबारा पोर्ट से अपना सिम अपडेट करवा के मैंने दोबारा नंबर निकाला। वो अपनी मोबाइल लेकर के गई हैं, उसमें जियो का सिम लगा है, उसका नंबर है 93-36-47-78-15, और वो जो है घर से ज्वेलरी और कैश नकदी पैसे लेकर के गई हैं। मेरी शादी सन 2014 में हुई थी। मेरे एक बड़ा बेटा है, 6 साल उम्र है, एक छोटा बेटा है, उसकी 2.5-3 साल उम्र है। क्या वो कभी लड़ाई झगड़ा हुआ आपके बीच में? नहीं नहीं, मेरी उनके बीच में कोई रोक झोंक, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ है। वो ऑटोमेटिक उनके मन में पता नहीं क्या आ गया,
वो उठ करके चले गए। मानसिक रूप से वो कहीं पीड़ित हैं या कुछ ऐसा कुछ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आजमगढ़ जनपद की एमपी एमएलए कोर्ट में शनिवार को ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में पूर्व सांसद और फुलपुर कवाई से वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव की पेशी हुई। इस दौरान रायमेर थाने में हरिजन बनाम स्वर्ण के एक पुराने मुकदमे में 313 सीआरपीसी के तहत रमाकांत का बयान दर्ज हुआ। इसमें अब 29 तारीख को अगली सुनवाई होगी, जिसमें दोनों पक्षों के वकील अपना अपना पक्ष रखेंगे। गौरतलब है कि इससे पूर्व रमाकांत यादव को फतेहगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा में आजमगढ़ के सुतारी थाने पर ले आया गया। कोर्ट के खुलने तक रमाकांत वहीं पर रहे। इस दौरान सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव समेत तमाम सपाइयों की भीड़ वहां मौजूद रही। जैसे ही कोर्ट का समय हुआ, तभी पुलिस कड़ी सुरक्षा में रमाकांत यादव को एमपी एमएलए कोर्ट लेकर पहुंची। आपको बता दें कि रमाकांत यादव पर अंबारी में फायरिंग के अलावा चक्काजाम और हरिजन बनाम स्वर्ण के मुकदमे चल रहे थे, जिसमें जुलाई में कोर्ट में हाजिर भी हुए थे। इसके बाद इसी वर्ष फरवरी माह में माहौल में हुए जहरीले शराब कांड मामले में भी विवेचना में पुलिस ने उनका नाम प्रकाश में लाया था। जुलाई से ही आजमगढ़ जेल में बंद थे। कुछ दिन पूर्व ही उनको फतेहगढ़ जेल ट्रांसफर किया गया था। आजमगढ़ जिले की बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के युधिष्ठिर पट्टी गांव के लोगों ने कोटेदार के समर्थन में तहसील पर समाधान दिवस के अवसर पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ को सौंपा। कोटेदार ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान द्वारा हमेशा मेरा कोटा निरस्त कराने की धमकी दी जाती है, साथ ही पैसे की मांग की जाती है। मेरे द्वारा पैसा ना देने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा कई बार सक्षम अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक प्रधान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज शनिवार को तहसील परिसर में गांव के ग्रामीणों ने कोटेदार के समर्थन में प्रदर्शन किया, साथ ही ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। कोटेदार और ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, साथ ही कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी द्वारा कोटेदार को आश्वासन दिया गया कि जांच कर ग्राम प्रधान के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। आप लोग संख्या में आई है, क्या मामला है, क्या करने आई है तहसील के बारे में? क्या कोटे के बारे में क्या करने आई है? राशन बराबर मिलता है, कोटा वहीं रहना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। अच्छा हाँ। तो कौन हटवाना चाहता है कोटा? प्रधान जी। प्रधान हटवाना चाहते हैं, क्या कहते हैं प्रधान जी? कहते हैं कि हमारे केन कोटा आ जाए, शाम को कोटा मिले जी। हाँ। अच्छा, कितने दिन से हैं ये कोटेदार, जो वर्तमान कोटेदार हैं? 10 साल। 10 साल। अच्छा, तो हम नट समाज से हैं, हमको तो राशन बराबर मिलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आप यहाँ पर आप लोग क्यों आए हैं, कि क्या कोटेदार के समर्थन में आए हैं? नहीं, कोटेदार के समर्थन में नहीं, मतलब कोटा यथास्थिति कायम रहे, हम लोगों को यहाँ से राशन कोटा यहाँ रहे और हम लोगों को राशन बराबर मिलता है, तो भाई हम लोग यही चाहेंगे, जहाँ मिल रहा है सुख सुविधा वहीं पड़ा रहे। तो आज अभी आप लोग डीएम साहब से सभी लोग गए, कुछ लोग गए थे, क्या कहे डीएम साहब, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, डीएम साहब आश्वासन दिए हैं उसमें जो है। अच्छा जी, कार्रवाई होगी। उनके नाम से कोटा चलता है। अच्छा। उनके चाचा का लड़का हूँ। प्रधान जी आकर पैसा मांगते हैं, कहते हैं वितरण करने के बाद हमें 5,000 रुपए दो, 5 क्विंटल गेहूं चावल दो हमें। अच्छा। नहीं तो आपकी दुकान सस्पेंड करवा देंगे, निरस्त करवा देंगे। कुछ आपके चाहते लोगों को लेकर बार बार दुकान पे एप्लीकेशन देते हैं, सबको डिस्टर्ब करते हैं सर। तो आते हैं दुकान पर, तो इसके संबंध में आपने प्रार्थना पत्र दिया है? जी सर। डीएम साहब को दिया है? जी सर। क्या कहे डीएम साहब? डीएम साहब कह रहे हैं कि जांच होगी, इसके बाद कार्रवाई होगी। हाँ, इसके पहले भी जांच हुई थी, सब कुछ सही पाया गया, लेकिन प्रधान अपने चाहतों को लेकर बार बार धमकी दे रहे हैं कि हम पैसा दो कुछ। देवगांव पुलिस ने चोरी की कई घटनाओं का खुलासा कर दिया है, जिसमें शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और लगभग 5.5 लाख रुपए चोरी के आभूषण, जिसकी कीमत थी, चोरी के आभूषण की 5.5 लाख रुपए कीमत थी, उसको बरामद कर लिया है। बता दिया कि 30 जून को थाना स्थानीय पर आवेदक कुंवर अवध बिहारी पुत्र मुरारी राम निवासी खनियारा थाना देवगांव आजमगढ़ ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें लिखा गया था कि घर का ताला तोड़कर एक लैपटॉप, एक मोबाइल, गहने, 30,000 रुपया नकदी चोरी हो गया है। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया और SP अनुराग आर्य के निर्देश पर आज देवगांव पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और 5.5 लाख रुपए के आभूषण बरामद कर लिया है। मेनगर से खबर है, जहां नगर पंचायत की बिजली क्रेन का तार टूटा, 2 लाइनमैन घायल। मेहनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 जवाहर नगर में बिजली के खंभा पर लाइट लगाने के लिए शुक्रवार को समय करीब 5 बजे मेहनगर थाना के कौरा निवासी रवि 28 वर्षीय व शैलेश 29 वर्षीय क्रेन से दोनों प्राइवेट लाइन में ऊपर गए, जहां क्रेन का तार एकाएक टूट जाने से दोनों लाइनमैन नीचे जमीन पर आ गए, जिससे दोनों को काफी चोट आने से वार्ड के सभासद अनुराग सिंह बंटू ने तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस झूले पर बैठकर वह काम कर रहे थे, उसका तार टूट गया और वह 10 फीट नीचे आ गए, जहां दोनों का इलाज चल रहा है।
बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में घाघरा नदी में आई बाढ़ से प्रभावित देवरांचल के लोगों से मिलने पहुंचे गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व भाजपा प्रत्याशी व वर्तमान जिला उपाध्यक्ष सतेंद्र राय ने बाढ़ में विस्थापित लोगों ने अपनी हालत बताते हुए बाढ़ से नष्ट हुए फसलों व घरों में रखे अनाज के कारण की आई बदहाली को बताया है। वहीं विस्थापितों ने आजमगढ़ प्रशासन की उदासीनता की शिकायत भी उनसे की है। पत्रकारों के सवाल पर जवाब में उन्होंने कहा कि बाढ़ से देवरांचल की हालत बहुत खराब होने के साथ ही फसलों की बर्बादी हो गई है और आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा अधिकारियों से बात करके बिजली, आवश्यक दवाइयों और पशुओं के चारे की व्यवस्था कराई गई है। डीएम के ट्वीट पर हुए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है जिलाधिकारी ने क्या कुछ लिखा है, परंतु यहां बाढ़ से पूरा दिवारा प्रभावित है, इसलिए इस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित होना चाहिए। मैं इस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और क्या कुछ कहा सत्येंद्र राय पूर्व भाजपा प्रत्याशी गोपालपुर ने, सुनिए। यहाँ का प्रशासन इतना सुस्त है, उसने अभी तक इसको बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया, जबकि 132 गांव जो है बाढ़ के प्रभाव में हैं। और आप हमारे जो डीएम साहब हैं वो कह रहे हैं सिर्फ 65 गांव या एक बार कह रहे हैं 12 गांव ही प्रभावित, और 1500 लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया है। ये कहाँ तक तर्कसंगत है? आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, इस पर क्या कहना है सर? डीएम साहब ने क्या कहा है मैं तो उसको सुना नहीं हूँ और न तो मेरी जानकारी में है, लेकिन मैं आज सुबह से लगातार चिकनावा से लगा के अभी इतने टाइम में चूड़ाई पे यहाँ मौजूद हूँ और कुछ गांवों में भी जाकर के नाय से भी हमने देखा है और यहाँ पर भी हम जो है देख रहे हैं जो स्थिति है, स्थिति बहुत भयावह है। और यहाँ के स्थानीय लोग भी बता रहे हैं और जहाँ तक हम लोगों को भी जानकारी है कि कई वर्षों बाद इतनी भयंकर जो है बाढ़ यहाँ पर आई है। और सर्वप्रथम यहाँ की पूरी जनता की भी मांग है और हम लोग जो देख रहे हैं उसमें आप भी हैं, आप सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, कि बाढ़ग्रस्त घोषित होना नितांत आवश्यक है और हम यहाँ से जाने के बाद उच्च अधिकारियों से इस पर तुरंत वार्ता करेंगे, अपने जिला अध्यक्ष महोदय से वार्ता करेंगे कि इस पूरे क्षेत्र को जो है बाढ़ग्रस्त घोषित कराया जाए। दूसरी समस्या एक और यहाँ है, बिजली की समस्या है, जिसको यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने यह कह के जो है बिजली को जो है यहाँ डिस्कनेक्ट कर दिया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है बिजली आपूर्ति जो है नहीं किया जा सकता, जबकि अब पानी थोड़ा कम होने लगा है और रात में चूंकि नाय चलती नहीं है तो रात में कोई इस तरह के खतरे की बात नहीं है और रात में जो है बिजली आपूर्ति बहाली करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसा आजकल आप लोग देख रहे हैं कि न तो मिट्टी के तेल की उपलब्धता है न किरासिन तेल की उपलब्धता है और जहाँ तक सर्प बिच्छू ये सारे जो है ग्रामीणों के जो है लोगों के जो है बिछौने तक में जो है चारपाई तक में जो है घुस जा रहे हैं, तो अगर उजाला नहीं रहेगा और ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी तो एक तो बाढ़ से जो हमारे जो यहाँ की जनता है जो त्राहिमाम में हुई है और दूसरा उनको जो सबसे बड़ा है जीव जंतु के काटने से, जंगली जानवरों के हमला करने से। अभी आपने देखा है कि एक हमारे नौजवान साथी को जो है जंगली सुअर ने जो है हमला कर दिया है और पूरा उसके जो है नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी है। हम इन सारे चीज़ों का एक बना करके और उच्च अधिकारी चाहे डीएम साहब हों चाहे एसडीएम सगड़ी महोदय हों इन लोगों को उससे जो है हम तुरंत अवगत कराएंगे और हमारा ऐसा विश्वास है कि हम हर हाल में बाढ़ग्रस्त घोषित कराने में यहाँ की जनता को जो है राहत पहुँचे, इसमें हम जो है जल्दी से जल्दी करेंगे। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट यह निर्देश है सभी जिलों को जो नदी ये इस घाघरा के किनारे हैं उसका सही से सर्वे किया जाए और हमको इसकी रिपोर्ट दी जाए, किसी को कहीं कोई तकलीफ ना हो, शासन के स्तर पर इसकी पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। वहीं अम्बेडकर नगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित हो गया, गोरखपुर भी क्षेत्र घोषित हो गया, महाराजगंज भी बाढ़ क्षेत्र घोषित हो गया, लेकिन क्या आजमगढ़ के डीएम कंट्रोल से बाहर है शासन के? नहीं, इसके परिप्रेक्ष्य में जो है हम लोग अपने संगठन के भी माध्यम से और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनको भी अवगत कराया जाएगा और निश्चित रूप से इस पर जो है संज्ञान लिया जाएगा।
महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा सम्मान सशक्त और स्वावलंबी बनाया जा रहा है। इस क्रम में जनपद में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 181 महिला हेल्पलाइन एवं वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से शिविर का आयोजन कर महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा उद्यमिता के साथ साथ उन्हें सशक्त और स्वावलंबी बनाना है, यह कहना है जिला प्रोबेशन अधिकारी वीएल यादव का। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि जनपद में अभियान के दौरान अब तक 5 शिविरों का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इसी क्रम में महिला कल्याण विभाग ने 2 अक्टूबर को डीपीओ कार्यालय 7 को गांव बिलनाडी, 10 को सहागढ़, 11 को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तथा 14 को डुगडुगवा गांव में जागरूकता शिविर का आयोजन कर महिलाओं और स्कूल के बच्चों को जागरूक किया गया। जागरूकता का यह अभियान महिला और बाल विकास समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। घर से हर रोज की भांति रोजी रोटी के लिए निकले 45 वर्षीय युवक के घर वापस न आने से परिजनों द्वारा बाढ़ के पानी में डूब जाने के कयास लगाए जा रहे थे। परिजनों ने महाराजगंज कोतवाली में लिखित दरियर देकर बाढ़ के पानी में डूब जाने की आशंका व्यक्त की थी। मिली जानकारी के अनुसार जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के महाराजगंज कोतवाली अंतर्गत अराजी मलहपुरवा ग्राम निवासी नंदलाल भारतीय पुत्र स्वर्गीय रामाश्रय गिरी ऑटो चालक किसी तरह जीविकोपार्जन करते थे। मंगलवार की सुबह रोज की भांति जीविकोपार्जन हेतु घर से निकले किंतु घर वापस नहीं आए। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई किंतु कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने ऑटो चालक के बाढ़ के पानी में डूब जाने की आशंका व्यक्त की थी, जिसके आधार पर फ्लड टीम द्वारा भी खोजबीन की गई थी किंतु कोई पता नहीं चल सका। शनिवार को जैसे ही घाघरा का जलस्तर घटा, ऑटो चालक का शव शिवपुर गांव के खन्ने के खेत में लगे तार से फंसा मिला। शव की शिनाख्त मृतक के परिजनों द्वारा की गई। शव के मिलने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु प्रस्तुत किया गया। मृतक व्यक्ति 2 भाइयों में सबसे छोटा था, जो ऑटो चलाकर युगोपार्जन करता था। उक्त व्यक्ति के पास एक पुत्र व एक पुत्री है। सरकार होती थी बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है, और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। अभी हम लोग गए थे माझा की तरफ गए थे, तो वहाँ बताया गया कि प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, विधायक जी हैं और आपकी तरफ से कुछ गाड़ियाँ उन्हें लगाई गई हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले, लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल, बोलना बंद है। जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। ठीक है नेताजी, इसका मतलब योगी जी तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, अधिकारी जो चाह रहे हैं उसे करने। मत कहलवाइए कुछ, मेरे मुंह से मत कहलवाइए। मैंने अपने